देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज़। स्वास्थ्य खाने के विकल्प की कमी भारतीय शहरों में एक आम समस्या है और इसका असर अक्सर इंदौर में भी साफ तौर से दिखाई देता है। इसी समस्या को देखते हुए इंदौर में खानपान के प्रमुख डेस्टिनेशन 56 दुकान क्षेत्र में नवरात्रि में महाअष्टमी के पावन अवसर पर एक नए रेस्टोरेंट T4 कैफे का शुभारंभ एडिशनल DCP क्राइम श्री राजेश दंडौतिया के कर कमलों से हुआ। T4 कैफे इंदौर की संचालक श्वेता गुप्ता ने बताया कि हमारा उद्देश्य स्वास्थ्यपूर्ण खाने के विकल्पों की दिक्कत को दूर करना है। इसी को देखते हुए T4 कैफे का प्रारंभ इंदौर में स्वादिष्ट भोजन के प्रति रुचि और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखकर ही किया गया है। यह अपने प्रारंभिक दिनों में ही कई शहरों के बीच में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है और इसकी अच्छी शुरुआत ने इंदौर के लोगों के लिए एक नया स्वाद और स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। T4 कैफे की खासियत यह है कि यह स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्य भोजन का एक विशेष मेन्यू पेश करता है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट सूप्स शामिल हैं जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। यह सुनहरा मौका है जब इंदौर के लोग अपने खाने के विकल्पों में स्वाद के साथ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। इसके साथ ही वक्त के साथ T4 कैफे अपने मेन्यू में स्वास्थ्यपूर्ण सेक्स की एक विशेष श्रृंखला को भी बढ़ाने का इरादा रखता है। यह शहर के लोगों के लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि स्वास्थ्यपूर्ण खाने के साथ एक नए अवसर की ओर कदम बढ़ा रहा है। T4 कैफे का यह प्रयास इंदौर के लोगों के लिए स्वास्थ्य और स्वाद के बीच सही संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। T4 कैफे के स्वास्थ्यपूर्ण सफर का हिस्सा बने और इंदौर में एक नया स्वाद और स्वास्थ्य का अनुभव करें। सर बताया यहाँ पर ओपनिंग कैफे का, ये T4 कैफे है जो आज इसकी आज इनॉग्रेशन आज ओपनिंग है यहाँ पर 56 दुकान में। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से 56 दुकान पर अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर ऐसी होती है रेंटेड प्रॉपर्टी तो निश्चित रूप से बड़े गर्व की बात है क्योंकि इस यहाँ पर स्पेस मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं और जो लोग इसको रन करेंगे उनका ये कहना है कि वो हेल्दी फूड प्रोवाइड करेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हेल्दी फूड होना उसके साथ हेल्दी होना ये और भी और अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हैं। तो इस बारे में उनके द्वारा बताया गया कि जो स्नैक्स प्रोवाइड करेंगे वो हेल्दी होगा और उसमें जिस तरह के जो आइटम यूज करेंगे ये लोग वो सब पूरा हेल्दी ही होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं मेरी ओर से इनको ढेर सारी बधाइयाँ हैं और ये बेहतर ढंग से अराइज करें। न केवल आज इनके द्वारा T4 कैफे ने अपना एक ओपनिंग की है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये लगातार प्रोग्रेस करें, मेहनत करें जिससे कि इनकी कई T4 कैफे की चैन हो जाए और इंदौर में कई जगह इनके कैफे खुले इस तरह। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में तो मध्य प्रदेश में इनको नंबर वन रखा है, उसी में लेकर मतलब एक जो हेल्दी जो फूड देना वो एक कहीं ना कहीं चुनौती बना रहता है। देख डेफिनेटली ये बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि काफ़ी मिलावटी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं और इस तरह का जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं तो ये बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा परेशानी आएगी, लेकिन अगर एक बार हम अगर मन से ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और एक बार ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जरूर अप्रिशिएट करेंगे। देखिए स्वाद के साथ साथ जो खाना है उसमें स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि जो कैफे इनके द्वारा खोला गया है, इनके द्वारा बताया गया है कि स्वास्थ्य पर हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हेल्दी पर, तो निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि कई फूड जो हम टेस्ट करते हैं उसमें स्वाद तो रहता है लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। अगर ये हेल्थ के साथ ये स्वाद के साथ साथ हेल्थ को भी अगर मेंटेन कर पाएँ, अगर हेल्थ कॉन्शियस जो डाइट है, जो जिस तरह से जो प्रोडक्ट्स इनके द्वारा जो बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से एक चुनौती जरूर है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। T4 कैफे का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर खान पान के शौकीन लोगों को मिलने वाली है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना मैंने 56 पर नोटिस किया फ़ास्ट फूड की बहुत वैरायटी है। इनफैक्ट आजकल की यंग जनरेशन फ़ास्ट फूड को ही पसंद करती है, तो हमारा सोच ये है कि फ़ास्ट फूड के साथ ही कुछ हेल्दी फूड का कॉन्सेप्ट उसमें डालें। तो हमने प्रोटीन फूड को फोकस किया हुआ है, अभी हमने फ़िलहाल कुछ सूप्स
की वैरायटी प्लस शेक्स की वैरायटी बढ़ाई हुई है। जो हेल्दी शेक्स चलते हैं जिसमें खजूर वगैरह का यूज़ करके, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करके हम लोग वो शेक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही सूप्स की वैरायटी में जिसमें प्रोटीन ज़्यादातर होता है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टी फॉर कैफे का काफ़ी अच्छा नाम हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ब्रांड है? देखिए टी फोर कैफ़े जो है वो कई शहरों में काफ़ी समय से है और प्रचलित भी है। यहाँ इंदौर में मैंने इसका शुभारंभ किया हुआ है, तो आशा है कि आप लोगों की सहयोग से ये आगे बढ़ेगा और नाम करेगा। जैसा कि इंदौर खान पान के शौकीन लोगों का शहर माना जाता है, 56 दुकान एक क्राइटेरिया, यहाँ पर लोग आते ही हैं सभी। जी तो क्या कहना चाहेंगे, कितना रिस्पांस आपने मिलने की उम्मीद है? देखिए 56 दुकान में ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंदौर शहर का ये बहुत फेमस और प्रचलित एरिया है, और नो डाउट्स हमने ये नोटिस भी किया है कि यहाँ फूटफॉल हर समय पे, चाहे त्यौहार हो, मौसम हो, जो भी हो, हर वक्त फूटफॉल रहता ही है। और अगर हम अच्छा खान पान प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली लोग आएंगे ही आएंगे। स्वाद के साथ हेल्दी, हाँ, हेल्थ भी और टेस्ट भी और हेल्थ भी, ये हमारा टैग लाइन है बेसिकली। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।